यही पर उन्होंने दंत वक्र को बध किया। जब उन्हें दंत वक्र को बध करके बड़े दिनों के बाद में कृष्ण फिर ब्रज में आए और कृष्ण ब्रज में आ करके ये संपूर्ण ब्रजवासियों को उनने अपना साथ में लेकर के नंद जसोदा ब्रज गोपी सबको सब उनने साथ में लेकर के अपना गोलोक वृंदावन चले गए। इसलिए ब्रजवासी पर जिंदगी भर ब्रज में रोटी नहीं रह गई, भगवान उनको लेकर अपना धाम में गए। इसलिए जब दतिया को मारे भगवान कृष्ण यहीं पर आए थे। आने पर कृष्ण को यहीं पर ब्रजवासियों ने बड़े दिनों के बाद में कृष्ण को उन्होंने जब दर्शन किया इन्हें बोले आए ओरे आए ओरे मतलब आ गए कृष्णा बड़े दिनों में आए। इसलिए यहाँ पर एक गांव का नाम है क्या आयो री ऐसे कोई गांव यहाँ पर आया है। और यहाँ पर एक ग्राम है आसपास में जिस समय यहाँ पर नंद बाबा के एक बहुत बड़ा मित्र रहते थे हैं उनके बड़े संगी के मित्र रहते थे। इसलिए जिस समय नंद बाबा ने ये भी गए हुए थे कहाँ पर उन्होंने भी गए थे सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण में गए थे। जब इधर से होते हुए उन्हें ब्रज में आए तो इसी गांव होकर के आए आए तो नंद बाबा का कोई एक मित्र था जिस मित्र ने उन्होंने श्री नंद बाबा को बड़े स्वागत यहीं पर उन्होंने बड़े स्वागत भी किया है। यहाँ पर श्री नंद बाबा का जो कंडा बिनते हैं ना कंडा बिनते हैं यहाँ पर क्या दो उनकी कोई यानी सेविका है सुनंदा और एक दो सेविका का आसपास उनका गांव है। और यहीं पर भगवान कृष्ण नौका विलास भी कृष्ण यहीं पर किए हैं। ब्रज गोपियाँ दूध दही मक्खन लेकर के कहते ना चलो सखी जहाँ चलिए जहाँ बसत ब्रजराज गोरस बेचना हम चले एक पंथ दो काज। इसलिए भगवान के थोड़ी राधा रानी की दूध दही बेचना है नंद बाबा का तो 9 लाख भैया राधा रानी का घर कितना 11 लाख भैया है। राधा रानी साधारण घर की थोड़ी चौकड़ी है राधा रानी के स्वयं राज लक्ष्मी सर्व लक्ष्मीमयी राधा रानी सर्व लक्ष्मीमयी जिनकी चरण की नुपुर की झंकार से ही कितने लक्ष्मियों की प्रकट होता है। कहते लक्ष्मी जदन श्री चरण कमल राधा रानी की चरण की नख में तो करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां समा जाती है जिनकी चरण की नख की छटा में। इसलिए कहते ना उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे मामना जितने सारे लक्ष्मी कहाँ से प्रकट होती हैं श्री राधा रानी से प्रकट होती है। इसलिए राधा रानी को दूध दही बेचने का कोई जरूरत नहीं है, है? सर दही बेचने की कोई जरूरत नहीं पर राधा रानी क्यों आती थी उनका एक बहाना था दूध दही बेचने का बहाना था। और गोपियों राधा रानी ब्रज गोपियों के साथ में यहीं पर दूध दही लेकर के यहीं पर आया करते थे। और कृष्ण स्वयं एक नाव हैं क्या नाव चलाते हैं ना नाव चलने के बाद रूप धारण करते आदर कृष्ण जान बुझ करके किसी किनारे में जाकर बैठ गया है क्योंकि ब्रज गोपियाँ आएगा तो आप नदी पार कराएंगे गोपियों के साथ मिलने होगा। इसलिए हमारे एक बड़े सुंदर बंगाल के में एक बड़े सुंदर कवि इतने सुंदर उन्होंने भजन गाया है बोले कृष्ण कौन है विश्व ब्रह्मांड का मालिक है विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन आज ब्रज गोपियों का प्रेम में राधा रानी के प्रेम में बसीभूत होकर के आज कृष्ण कर रहे हैं क्या कृष्णा एक नाव चला रहे हैं। नाव कौन चलाता है केवड़ा चलाता है ना केवड़ा चलाते हैं नाव छोटे जाती है मल्हार क्या मल्हार जाती है ये मल्हार जाती है ये लोग नाव चलाते हैं। लेकिन आज कौन ये नाव चलाने वाले कौन है विश्व ब्रह्मांड के मालिक जिसका नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रज गोपियों के प्रेम में बसीभूत तो होकर भगवान आओ आज कृष्ण स्वयं हे राधे मैं तुम्हारी प्रेम की भूखा हूँ और तुम्हारी प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या नहीं करता हूँ तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए क्या क्या कभी मालियाहारिणी कभी पालियाहारिणी कभी उन्होंने चूड़ी बेचने वाली कभी कृष्ण कहते मैं इतने सुंदर मैं श्रृंगार करता हूँ जिसके श्रृंगार कर दो ना उनका जीवन का सब व्यथा दूर हो जाता है। कभी कभी कृष्ण श्यामा सखी रूप धारण करते हैं कहते मैं जिसका चरण की सेवा करता हूँ ना उनका जीवन का सब दुख दूर हो जाता है। कृष्ण स्वयं आकर के राधा रानी के चरण की सेवा करने लग जाते हैं राधा रानी को श्रृंगार करते हैं और कहते ना भजन है क्या श्याम चूड़ी बेचने आए इसलिए कृष्ण कहते बड़े सुंदर चूड़ी में पहना सकती है कृष्ण राधा रानी के हाथ में चूड़ियां पहनती है
हाँ चूड़िया पहनाती है। कृष्ण कहते हे राधे मैं क्यों ये शुभ रूप धारण करता हूँ, क्योंकि जो प्रेम का एक गुण है प्रेम का दो गुण है। कहते सांद्र नादा विशेष आत्मा श्री कृष्णा कथनचता, जैसे दही दूध को गर्म करते करते राबड़ी बन जाती है। राबड़ी खाए कि नहीं सबके सब, कौन कौन खाए, राबड़ी कितना प्यार मीठा लगता है, कितना स्वाद है। इसलिए प्रेम जब घनीभूत अवस्था धारण करता है उसमें क्या होता है, बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, प्रतिपद पद में एक नई नई रस के आस्वादन होता है। दूसरा लक्षण क्या, बोले श्री कृष्णा कर्षणी चसा, जैसे फूल खिलने पर जैसे भौंरा आकर के ये फूल भौंरा को पास में नहीं जाता है, भौंरा फूल को पास में आता है। ये भौंरा कौन है, ये कृष्ण, ये पुष्प कौन है, भक्तों का प्रेम, राधा रानी की बात ब्रज गोपियों का प्रेम ही यही पुष्प है। लेकिन इनके हृदय में जब कृष्ण भक्ति रूपी पुष्प खिल जाता है ना, कृष्ण रूपी भौंरा आकर के बैठ करके इसका आस्वादन कर रहे हैं। आप बताओ गोपियां कृष्ण के पास में गई ना, कृष्ण गोपियों के पास में आए, कृष्ण गोपियों के पास में आए क्या करने के लिए, बोले मैं बड़े सुंदर नाव चलाना जानता हूँ, नाव में बैठा करके तुमको पार कर देता हूँ। यही पर ब्रज गोपियां जो पुकार, बोले भैया कोई है जो हमको ये यमुना को पार करा दे। बस कृष्ण के टूटे फूटे नाव लेकर का, बोले मैं बहुत बढ़िया नाव चलाना जानता हूँ, बैठ जाओ। सबके सब बैठा दिया, ब्रज गोपियों को बैठा करके उनको ले गई बीच में ले करके। अभी अमरजीत प्रभु कथा सुना रहे थे ना, सब कथा जीत प्रभु सुना रहे थे। कृष्ण बीच में ले करके, कृष्ण कहते भैया तुम इतने मोटी मोटी गोपी पहनी बैठ गए, मेरा जो नाव है ना एक मणि ही ढो सकता। मतलब क्या, कृष्ण कहते देखो अगर तुम मेरे को प्राप्त करना चाहते हो ना भैया, एक मन, मतलब एक मन से मेरे को पुकारो, मन दो कतना के बापा बे वाके पार, प्रेम नदी आती सदा उल्टी बहेगा। इसलिए मेरे नाम एक मन ढूंढ सकता, मतलब क्या है, अगर एक मन से अगर कोई मेरा भजन करे। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, मन मना भगो, भैया मन और किसको मत दिया करो, मन मुझे दो, मत भक्त भगो, और किसका भक्त नहीं मेरा ही भक्त बनो। माम जाजी पूजा किसको करनी चाहिए, लेकिन हमारे कोई भी भक्त लोग क्या करते हैं, नवरात्रि आई ना, हाँ गंगा जी गए तो गंगा राम, जमुना गए तो नवदीप गए तो नवदीप राम। इसलिए कुछ सप्तति को करना शुरू कर देते हैं, देवी को हनुमान की को शंकर की को सारे व्रत। नहीं भैया, कृष्ण कहते नहीं, मद भक्त भव, भक्त और किसी को नहीं बनना, भक्त बनना तो मेरी भक्त बनना। माम जाजी, बोले पूजा करे तो किसको पूजा करे, बोले माम, बोले मुझे और किसको नहीं, पर करने से क्या होगा, बोले माम एससी, तब तुम तब भी मेरे को प्राप्त कर सकते हो। और तेरे को प्राप्त करने से क्या होगा, बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं, जहाँ जाने से कभी तुझे वापस आना ही पड़ेगा। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, एक मन से उनको पुकारना पड़ेगा, भजन एक मन से करना पड़ेगा। इसलिए मानो कृष्ण कहते देखो जो नाव है ना, ये नाव एक मन नाव मेरा नाव हो सकता, मतलब उसको ही भवसागर से पार कराऊंगा जो एक मन से भजन करेगा। इतने में बोले तू भैया, इतने में गोपियां तो कृष्ण के मन की भावना समझते हैं, मन की भावना, बोले कन्या तू पहले क्यों नहीं बोल, बीच में आकर के नाव को हाँ हिलाना लग गया, बोले मेरे नाव एक मन, पहले तू बोलता था हम बैठते नहीं। गोपियां तो कृष्ण का मन समझती है। इतने में ललिता कहते मैं तो अकेला ही तीन मन की, और देखो मेरे पास में जो गोपी है ना, देखो ये मन की, और कोई तो मेरा ढाई मन की है, तो कितने सारे कितने मन, और तुम बोलते एक मन ढोड़ सकते हो। इतने में गोपियां कहते बोले कन्हैया, हम भले ही हमको देखने पर जितने लगता है कितने, हम बहुत सारे गोपियां, लेकिन हम सब मिलकर ना एक मन, क्या है हमारी मन तेरे सिवाय और किसको स्मरण करने वाले नहीं। इसलिए मन मना बाबा, इसलिए मान मनस का मेरा जो हमारी मन में तू बैठा और किसी को हमने बैठा है नहीं। इतने में कृष्ण क्या करते हैं, नाव को जोर जोर से हिलाते हैं, बोले भैया नाव डूबने वाले, अलंकार को फेंको, पहले माताएं सर से लेकर प्यार तक 10-10 20-20 25-25 किलो की सब पहना करते। मैं तो अपना माँ को देखा है,
इतने मोटे मोटे चांदी के, यहाँ पर इतने मोटी हाथ की हथियार की है, पहले अभी चोर के डर से कोई पहनते नहीं। लेकिन मैंने जो देखा अपने गांव में, पूरा शरीर जब लड़की जाती थी पूरा कितने मैन की तो सोने चांदी में भर कर जाती थी, इसलिए बोले इतने सारे बोझान भैया मेरे नाव डूबने वाले फेंको, सब फेंकना शुरू कर दिए। बोले अभी भी ज्यादा भोजन, बोले क्या, बोले सर में जो मटकी है ना दूध दही पता नहीं इतने बड़े बड़े मटकी में भर कर लाए हो, फेंको उसको, फेंकने लग गए। बोले तब भी नाव भी भार, बोले क्या, बोले पहले जो लहंगा चुंदरी पहनते ना, अभी भी शादी में देखना जो लहंगा पहनती है कितनी भी उसमें जड़ा हुआ 8-10 किलो का अभी भी तो पहनती है, शादी में खरीदी करके लेता है ना, और वो पहले से वो सोने की होता था। बोले भी ज्यादा भोजन है कृष्णा। इतने में कृष्ण जोर जोर से नाव को जब हिलाते है ना, इतने में राधा रानी डर जाती है, डर कर कृष्ण को पकड़ लेती है। कृष्ण ही चाहते थे राधा रानी की जुगल मिलन हो, जब उनको पकड़ लेती हैं, यहाँ पर जो जोग माया और जो वृंदा देवी क्या करती, बीच में बड़े सुंदर कुंज प्रकट कर देती है, कुंज प्रकट कर देती है। प्रकट करने पर राधा कृष्ण उसी कुंज में प्रवेश करते हैं और ब्रज गोपियाँ वहीं पर उनको जय जय राधा कृष्ण आरती करते हैं राधा कृष्ण के ही जुगल मिलन हुआ करता है। इसलिए ये जो स्थली है ये एक वन में लघु वन में द्वादश वन में एक वन की लघु वन में, और हमारे जीव प्रभु बहुत अच्छी बात बताए, क्या बात बताए बता तो उन्होंने क्या विषय बात बताए, उनने सात चीत और आनंद है, सात चीत और आनंद ये तीनों मिलकर के तब भगवान पूर्ण बनते सच्चिदानंद रूपा। आज जीत प्रभु अच्छी बात बताए, आज का जो परिक्रमा का विशेष महत्व है, पहला जो गए थे सत संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता कौन है, श्री बलदेव प्रभु, उनको पास में सबसे पहले गए थे है, जब तक नितय करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण बाबे, नित्यानंद प्रभु की कृपा बगैर कृष्ण नहीं मिले। उसके बाद में पर चीत, चीत मतलब ज्ञान स्वरूप, ज्ञान पूर्ण ज्ञान स्वरूप कौन है, हाँ संबित शक्ति अधिष्ठात्री देवता कौन, स्वयं भगवान कृष्ण गोकुल में गए। उसको बाद में कहाँ है आनंद, ना लादिनी शक्ति स्वरूप कौन है, राधा रानी। आज हमारी परिक्रमा सत चीत और आनंद ये तीनों जगह पर परिक्रमा किया, मतलब है आज हमारी परिक्रमा पूर्ण है। हमारे जो ब्राह्मण है ना, नियम है आकर के ब्राह्मण को देखनी चाहिए, अब लोग कुछ कुछ ब्राह्मण पंडितों को यही बहना इससे।